हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर रुचिका गर्ग। कई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि मैडम, डिलीवरी के बाद हमारे नॉर्मल पीरियड्स कब आएंगे। तो नॉर्मली जो पीरियड्स होते हैं वो 1.5 से 2 महीने बाद आ सकते हैं, जनरली आ जाते हैं, अगर आप अपने बच्चे को अपना स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हैं। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग कराना जो है ये एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रसेप्शन का भी तरीका है। तो डिलीवरी के बाद जो है कुछ गंदा पानी आता रहता है, वो 1.5 महीने तक चलता है, 6 वीक्स, उसे हम लोकिया कहते हैं। वो शुरुआत के फर्स्ट वीक में ब्लीडिंग होगी और उसके बाद जो है वो पानी मिला हुआ डार्क क्लॉटेड ब्लड टाइप मिक्स इस टाइप का 1.5 महीने तक आ सकता है। और यही समय है कि इसके बाद अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही हैं तो 1.5 से 2 महीने के आसपास आपका पीरियड्स आ सकता है। ये हार्मोन प्रोलैक्टिन की वजह से होता है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो पीरियड्स लेट होता है। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग हम करा रहे हैं तो 6 महीने से लेके 1 साल तक भी कभी कभी पीरियड्स नहीं आते। लेकिन अगर पीरियड्स नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। आपके प्रेग्नेंट होने की चांसेस हैं अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही हैं। तो ये जो 1.5 महीने बाद ही आपको कोई ना कोई कॉन्ट्रसेप्शन का तरीका अपना लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं और 6 मंथ्स तक सिर्फ अपना ही दूध पिला रही हैं, ऊपर का कुछ नहीं दे रही हैं, बच्चा जब दूध मांग रहा है ऑन डिमांड जिसे हम कहते हैं उस समय आप देती हैं, और रात में भी 2 से 3 बार अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करा रही हैं, तो ये आपको कॉन्ट्रसेप्शन 90% से ज़्यादा तक देता है, यानी कि आपको बच्चा रहने की संभावना नहीं होती। लेकिन ये कोई 100% प्रोटेक्टिव नहीं है, इसलिए आपको गर्भ निरोधक का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मेनी टाइम्स पेशेंट आता है कि हमें तुरंत ही वो उसको पता ही नहीं चला, वो बच्चे को दूध भी पिला रही थी और पीरियड्स कभी आए ही नहीं, और वो हम चेक करते हैं तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव निकलता है। और इस समय पेशेंट्स के लिए जनरली पॉसिबल नहीं होता है कि वो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि दूसरा बेबी इतना फर्स्ट करने के लिए रेडी नहीं होते, फर्स्ट अभी इतना छोटा रहता है, तो फिर अबॉर्शन कराने के अलावा कोई चारा नहीं रहता और अबॉर्शन के अपने ही रिस्क होते हैं। इसलिए आप किसी भी तरीके से गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रसेप्शन को स्टार्ट कर लें। अब ये बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पीरियड्स बहुत ही इरेगुलर हो गए हैं डिलीवरी के बाद, तो ये भी नॉर्मल है, क्योंकि जो साइकिल है उसको पूरा नॉर्मल आने में टाइम लग सकता है। किसी किसी के पीरियड्स जो हैं जल्दी जल्दी आ सकते हैं, और जो फर्स्ट पीरियड आता है वो जनरली हैवी होता है और उसमें पेन एब्डोमेन भी ज़्यादा होता है। तो डिलीवरी के बाद जब भी आपका फर्स्ट पीरियड आएगा तो उसमें काफ़ी ब्लीडिंग आ सकती है, क्लॉट्स भी आ सकते हैं और पेट में दर्द भी काफ़ी रहता है। और जो कुछ समय तक पीरियड्स आपके इरेगुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पीरियड्स के बाद हो सकता है आपको 2 महीने बाद ही पीरियड आए या फिर उसके 3 महीने बाद ही पीरियड आए। ये इसलिए होता है कि आपका ओवुलेशन जो है, जो हर महीने एक एग बनता है, वो प्रॉपरली रिज्यूम अभी नहीं हुआ है। और किसी किसी को जल्दी जल्दी पीरियड्स भी आ जाते हैं, किसी को डिलेड आते हैं तो जल्दी आते हैं और हैवी आ रहे हैं सपोज डिलीवरी के बाद, तो आपको इसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन लिख के देंगे। अब कुछ पेशेंट्स को ये रहता है कि जो नॉर्मल हमारा पीरियड्स है और लोकिया, उसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो मैंने आपको बताया कि 6 वीक्स तक यानी 1.5 महीने तक लोकिया आता है, तो वो जो है डार्क काला इस टाइप का होता है, और जो उसके बाद जो जस्ट पीरियड आएगा वो फ्रेश ब्लड रेड कलर का आएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कीप वॉचिंग, थैंक यू।